छीके से हमने उनसे चीज उतरवाई है, छीके से हमने उनसे चीज उतरवाई है, काम का काम हो गया और अंगड़ाई की अंगड़ाई। फनी हाँ। मोल वैसे कमरा छोटा है लेकिन हमारे लिए काफी है। खेल तुम ना चुप रहो, पहले गद्दा उतार। चलो मैं क्यों उतारू, तुम उतारो। हाँ? उतारो ठीक है। एक मिनट रुको 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 रुको, माइक दिख रहा, माइक दिख रहा। हाँ माइक दिख लो, चलो उतारो। तुम उतारो। हाँ? उतारो ठीक है। रुको रुको, हाथ कहाँ जा रहा है तुम्हारा। आराम से। अच्छा वाइफ जी, एक चीप सी बात बोलूं। ये भगवान, ये कहाँ फंसा दिया आपने? कि मुझे पता होता ना कि तुम इतने चीप हो तो मैं तुमसे शादी। हाँ हाँ एहसान कर दिया, मत कर दी ना शादी फिर। अच्छा बताओ तो क्या बता रहे थे? अब क्यों बोलूं, जाने दो। अनमोल अरे बोलो ना। अच्छा ठीक है चलो, मैं यहाँ देख रही हूँ इस तरफ, अब तुम बोलो। ओके हाँ तो अर्ज किया है, छीके से हमने उनसे, छीके से हमने उनसे चीज उतरवाई है, काम का काम हो गया और अंगड़ाई की अंगड़ाई। निखिल तुम ही ना सच्ची। परमोल गद्दा पड़ गया बेटा, यहाँ पल्लू सीधा करो ना, मैडम जाके। ये मेरी पहली बीवी है, ज्यादा सवाल करती थी इसलिए छोड़ दिया। निखिल मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, इट्स नॉट फनी। जेलस हाँ, जलन हो रही है। अच्छा लाओ दिखा दिखाओ दिखाओ क्या है ये। क्लासमेट थी शायद मेरी, इसका नाम तो याद नहीं मुझे। मुझे याद नहीं है, और वैसे भी जब से तुम आई थी तो फिर हम सुहाग राजी तभी मनाएंगे जब तुम अपने करियर में सेट हो जाओगे।
सही किसी से इतना प्यार नहीं किया, ट्रस्ट मी। और ये जो भी था ना, बस इतना समझ लो कि पायल मेरी जिंदगी की गलती थी, बचपना था, नादानी थी। लेकिन सब भूल चुका हूँ मैं, सब पुरानी बात हो चुकी है। और कि मेरा आज, मेरे आने वाला कल तुमसे जुड़ा है। छोड़ो, देखो आज हमारी सुहाग रात है, इसे क्यों खराब करें? ओके रोलिंग, उठो, एक्शन। चलो देखो क्या है ये, ये मेरी क्लासमेट थी कोई शायद, मुझे तो नाम भी याद नहीं रहा इसका। ओके क्यों बार बार पूछ रही हूँ, बोला ना नहीं आता। लेकिन क्यों, क्या सीधे मेरी लाइन से? हाँ एक्शन। जेलस? हाँ जेलस। अच्छा लाभ दिखाओ क्या है ये अनमोल? शायद मेरी क्लासमेट थी कोई, मुझे तो नाम तक याद नहीं उसका। हाँ ऐसे कैसे नाम याद नहीं है, कुछ तो याद होगा तुम्हें इसके बारे में। क्यों बार बार पूछ रही हो, कहा ना याद नहीं है मुझे। घड़ी में कितना बजा हुआ है? 6:10 मिनट। 10 मिनट है ना? 9 बजे का। वो किनो सर, लेकिन क्या सीन चल रहा है? काफी रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सीन ये चल रहा है कि जैसे कि आप देख ही रहे हैं अनमोल को थोड़ा बीवी लग रही है, सिंदूर भी है तो पूरी बीवी लग रही है। और हमारे हमारे घर में आई है तो गृह प्रवेश हुआ है उसके बाद, तो पहला दिन है, पहली रात है इनफैक्ट, तो वही सब चल रहा है कि मतलब निखिल के पास एक्चुअली खुद का रूम नहीं है, वो तीनों भाई जो है एक रूम शेयर करते हैं। तो अब जबकि मैं आ गई हूँ तो सोचा बाबूजी शायद कुछ करेंगे ताकि हम एक
अपना रूम मिल सके, पर अनफॉर्चुनेटली रूम्स हैं नहीं, इन लोग के पास इतना बड़ा घर नहीं है, तो हम जो है स्टोर रूम में सो रहे हैं। फोटो एक्चुअली निखिल का मैंने देखा एक लड़की के साथ। ये इस बंदे को जितना मैं जानती हूँ कभी कुछ इतने फ्रेंड्स नहीं थे, लड़कियों के साथ घूमता नहीं था, तो पहली बार निखिल की किसी और लड़की के साथ फ़ोटो देखी है। पहले भी जब उसको एक लड़की के साथ देखा था, हाँ तब तो मैंने सब कचरा फेंक दिया था, तो मैं इसको किसी लड़की का देख नहीं सकती। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रही हूँ कि भाई ये कौन है। मेरे पुराने पाप, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो एक मेरी क्लासमेट है, तो उसकी फ़ोटो इनको मिली है स्टोर रूम में कहीं से, तो वही पूछ रही। मुझे तो इनफैक्ट याद भी नहीं है कि उसका नाम क्या है, लेकिन इनकी शादी हुई है अभी तो ये मेरी लाइफ में आई है और इनको फ़ोटो दिख गई है एक दूसरी लड़की, क्योंकि बर्दाश्त नहीं करती मेरे साथ कोई भी हो, तो इस वजह से पूछ रही हैं कि आखिर कौन है लड़की जिसके साथ मेरा फ़ोटो है। अच्छा, आपको कितना गुस्सा आया फ़ोटो देख के? बहुत ज़्यादा। पहली बार जब गुस्सा आया था तब कचरा फेंका था, तो अब अगर ज़्यादा गुस्सा आ गया तो पता नहीं क्या करूँगी। अच्छा, आगे क्या ट्विस्ट है? कितने दिन तक इस रूम में ऐसे दिन? बिल्कुल, आप दुआ कीजिए हम साथ में रहें हमेशा, लेकिन हाँ रूम बदल जाए ये भी दुआ कीजिए। बाकी स्टोर रूम में तो अभी पहली रात है तो अरेंजमेंट कोई रेडी नहीं था घर पे, तो इस वजह से स्टोर रूम में ये तो बाबूजी ने करवा दिया अरेंजमेंट, तो देखें। बाकी यही आएगा कि अब फैमिली में एंट्रेंस इनकी हुई है तो कैसा लोगों का बिहेवियर कैसा रहेगा, मेरी फैमिलीज का, बुआ का, बाबूजी का, मतलब कब तक अच्छे रहेंगे या फिर यू नो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये काम कर पाएंगे हमारे घर में, नहीं कर पाएंगे अच्छे से, वो सब देखने को मिलेगा। थैंक यू सर, वेलकम।